नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में जो हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, पहले उसको देख लेते हैं। तो आप आइए बोर्ड की तरफ। लिखा है प्रश्न, यदि a बराबर 11 है और b बराबर 9 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए की पावर क्यू माइनस बी की पावर क्यू की वैल्यू हमें बताना है। किसकी वैल्यू निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का हमें निकालना है सॉल्यूशन के कितना होगा। तो ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी था, नीचे हो जाएगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, तो a पूरा यहाँ से कट जाएगा और क्या बचेगा? एक बटे a माइनस बी, और एक बटे a की वैल्यू क्या थी? 11। माइनस b की वैल्यू क्या थी? 9। तो एक बटे यहाँ से क्या बचेगा? 2। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ a की वैल्यू, b की वैल्यू, ab की वैल्यू रखते जाएं, फिर सॉल्व कर देंगे, तब भी हमारा आंसर निकल के 1/2 ही आएगा। ऐसे में क्या हो गया? हमारा सिंपल हो गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन कम पड़ गई। तो हमें इस तरीके से भी सॉल्व कर लेना है। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।